दोस्तों हम सभी क्रिकेट मैच खेलते भी हैं और देखते भी हैं। जब आप किसी भी प्रकार का क्रिकेट मैच देखते हो तब आपने नोटिस किया होगा कि किसी मैच में एक ओवर समाप्त होने के बाद फील्डर, अंपायर या फिर कहे विकेट कीपर सारे के सारे चेंज हो जाते हैं। लेकिन आपने यह देखा होगा कि जो बैट्समैन होते हैं वे कभी भी अपनी पारी चेंज नहीं करते हैं। तो वे लोग क्यों नहीं चेंज करते हैं सब कुछ बताऊंगा, इसलिए आपको जुड़े रहना होगा स्पोर्ट्स टाइम हिंदी पे, ताकि मैं आज आपको सब कुछ बता सकूं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि क्रिकेट मैच के दौरान जब एक ओवर की समाप्ति हो जाती है तो जो बैट्समैन होता है वो अपनी पारी चेंज नहीं करता है, लेकिन जो अंपायर होते हैं, फील्डर होते हैं और विकेट कीपर होते हैं वे सारे के सारे अपनी स्थिति बदल लेते हैं। क्रिकेट के मैच के दौरान ऐसे क्यों होता है, इसके लिए मैं आपको दो कारण बताता हूँ। पहला जो कारण है वो हिस्टोरिकल कारण है और दूसरा कारण है साइंटिफिक। आपको पता ही होगा जो क्रिकेट का जो खेल है वो इंग्लैंड से शुरू हुआ। यह खेल उस समय सिर्फ रईस लोगों के लिए ही शुरू हुआ था और ज्यादातर रईस लोग ही इस खेल को खेलते थे। लेकिन इसमें उन लोगों का कुछ क्राइटेरिया था कि जो लोग रईस थे वे लोग सिर्फ बैटिंग ही करते थे और जो बाकी कुछ बच जाता था जैसे फील्डिंग करना, बॉलिंग करना, कीपिंग करना, ये सारा काम अंग्रेज लोग या फिर जो कहे रईस लोग वे लोग नहीं करते थे। इसके लिए उनके पास जो लोग गरीब लोग काम करते थे उन लोगों को ही वो लोग फील्डिंग करवाते थे या फिर कहे बॉलिंग करवाते थे, क्योंकि वे लोग अपना पोजीशन चेंज नहीं करना चाहते थे। इस कारण से यह भी एक कारण हो चुका है कि क्रिकेट के दौरान जो बैट्समैन होते हैं वे लोग अपनी पोजीशन यानी कि पारी चेंज नहीं करते हैं। और आगे मैं जिस दूसरे कारण के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो है साइंटिफिक कारण। किसी मैच का जब एक ओवर समाप्त हो जाता है तो बैट्समैन को छोड़कर बाकी सबों की स्थिति अदल बदल कर दी जाती है। जो गेंदबाज होते हैं वे लोग पिच के दोनों किनारों से गेंदबाजी करते हैं। ऐसा इसलिए कराया जाता है ताकि एक टीम किसी विशेष दिशा में उड़ने पर हवा का लाभ न ले सके। मान लीजिए कि कोई बॉलर है जो पिच के सिर्फ एक ही किनारे का यूज करके गेंदबाजी करता है और जो हवा है वो भी बॉलिंग की दिशा के तरफ ही है, इस समय वो काफी ज्यादा अच्छी स्विंग कर सकता है। और जो बैट्समैन होता है वो शायद इस गेंदबाज के सभी बॉलों को अच्छी तरह से नहीं खेल पाए, क्योंकि वो प्रोफेशनली स्विंग है और जो हवा की दिशा है वो भी उसी के अनुकूल हो जाती है। इससे उसे आसानी हो जाती है कि वो काफी ज्यादा अच्छी बॉलिंग कर पाए। इस कारण से मैच के हर एक ओवर के बाद फील्डर, विकेट कीपर और अंपायर की स्थिति बदल जाती है, लेकिन जो बैट्समैन होते हैं उनकी स्थिति नहीं बदली जाती है। इसलिए मैच में दोनों टीमों को सभी परिस्थितियों में एक समान खेलने का मौका मिल जाता है। ऐसा इसलिए भी किया जाता है कि किसी एक बल्लेबाज या गेंदबाज को इसका फायदा नहीं मिलना चाहिए। इससे बॉलर को भी यह चांस मिल जाता है कि वो पिच के दोनों तरफ से गेंदबाजी कर सके। मैच के हर एक ओवर के बाद जो बॉलर होते हैं वे पिच के दोनों तरफ से समान रूप से बॉलिंग करते हैं, ताकि जो पिच होता है वो दोनों तरफ से समान रूप से खराब हो पाए। अगर मैच में पिच के सिर्फ एक ही तरफ से गेंदबाजी की जाएगी या फिर खिलवाया जाएगा तो पिच का सिर्फ एक ही भाग खराब होगा और दूसरा भाग अच्छा का अच्छा रह जाएगा। इससे पहले टीम को तो खेलने में फायदा होगा, लेकिन जब दूसरी टीम खेलने के लिए आएगी तो उनके लिए पिच खराब हो चुका रहेगा। इस कारण से पिच के दोनों तरफ से समान रूप से बॉलिंग और बैटिंग करवाई जाती है, जिससे पिच दोनों तरफ से समान रूप से खराब हो पाए और दोनों टीमों को समान रूप से खेलने का मौका मिल पाए। जब मैच पिच के दोनों तरफ से खेला जाता है तो इसे स्टेडियम में बैठे दर्शकों को काफी ज्यादा सहूलियत हो जाती है कि वे मैच को अच्छी तरीके से देख पाए। तो दोस्तों आपको पता चल ही गया होगा कि मैच के हर एक ओवर के दौरान जो बल्लेबाज होते हैं वे अपनी पारी चेंज क्यों नहीं करते हैं। क्या आपको इस बात की जानकारी थी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साथ में ये भी लिखें कि आपको क्रिकेट के बारे में और क्या जानकारी चाहिए। मुझे इंतजार रहेगा दोस्तों आपके मीठे मीठे कमेंट का।